नमस्कार। यही कहीं थी मधुर स्मृति मेरे भोले बचपन की, तुतली भाषा निर्मल आशा स्पंदन जीवन की। सरल सुखद थी माँ की लोरी निंदिया नील गगन सी, बाँह पसारे पिता की गोदी विस्तृत पूर्ण भुवन सी। सच में बचपन निश्चल निर्मल और पावन होता है। एक बच्चे के लिए सबसे प्रिय होती है उसकी माँ, और उसके बाद दूसरा जो सबसे प्रिय वस्तु उसका होता है वो होता है उसका खिलौना। वो खिलौना जिसे वो सोते उठते बैठते जागते हर वक्त अपने पास सहेज कर और समेट कर रखना चाहता है। खिलौनों से बच्चे में सृजनशीलता बढ़ती है। पुरातन काल में सभ्यता के विकास के समय मिट्टी सर्वसुलभ थी। इन्हीं मिट्टियों से घर चूल्हे और बर्तन बनाए जाते थे, जिन्हें देखकर बच्चे भी मिट्टी से खिलौने बनाने के लिए प्रेरित हुआ करते थे। मिट्टी पर्यावरण के लिए जहाँ ज़रूरी है, वहीं बच्चों के रचनात्मक विकास के लिए भी आवश्यक है। तभी तो महादेवी वर्मा जी ने अपने बाल्यकाल में लिखा था कि धरती ने पुत्र निज बनाया है कण कण से, माटी को गूथ गूथ ममता के मोतियों से। खिलौनों के बिना क्या नन्हे बच्चों की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। प्राचीन काल से ही खिलौनों का उल्लेख मिलता है। जब सभ्यता पनपी तब लोग मिट्टी के घरों में रहते, मिट्टी के ही बर्तनों में भोजन बनाते और खाते थे। घड़ा, थाली, तवा, कटोरियां सभी मिट्टी के ही बने होते थे। धीरे धीरे सांचों का निर्माण हुआ और तब मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ मूर्तियां और खिलौने भी बनने लगे। बच्चे खेल खेल में ही सारी चीजें सीखते हैं, उनकी कल्पनाएं उड़ान भरती हैं और उन्हें रचनात्मकता सिखाती हैं। हर काल में बच्चों को खेलने के लिए कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। तब भी उनके खेलने के लिए जानवरों की मूर्तियां मिट्टी में ढाल कर दिए जाते, जैसे गाय, बैल, हिरण, चिड़िया। उन्हीं से नन्हे बच्चे अपना दिल बहलाया करते थे। ज्यों ज्यों सभ्यता विकसित होती गई, वैसे वैसे अन्य चीजों से खिलौनों का निर्माण होने लगा, जैसे लकड़ी। लकड़ियों से भी तरह तरह की चीजें बनाई जाने लगी, तो खिलौनों का निर्माण भी इससे अछूता ना रहा और लकड़ी से बने खिलौने बच्चों को खूब भाने लगे, क्योंकि ये आसानी से टूटते नहीं थे। बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए, उनके मनोरंजन और शारीरिक विकास के लिए भी खिलौनों से खेलना आवश्यक है। इसलिए हर सभ्यता में खिलौनों का चलन रहा है। समय के साथ साथ और विकास भी होता गया और नए नए आविष्कार भी। उसी के अनुरूप खिलौनों का भी स्वरूप बदलता गया। पहले मिट्टी, फिर लकड़ियों से, धातुओं से, और अब आधुनिक युग में प्लास्टिक और मशीनों से होते होते अब इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बाजार में बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। नन्हा शिशु जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, हर दिन उसको कुछ नया सीखने को मिलता है। बच्चे नासमझ होते हैं, खेल और खिलौनों के माध्यम से ही अनेक बातें सीखते हैं। खेल खेल में ही बच्चों का शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास होता है। अच्छे खिलौनों के साथ खेल खेल कर उनमें समझ बढ़ती जाती है और माता पिता पर उनकी निर्भरता धीरे धीरे कम होती जाती है। ये प्रकृति का नियम है और ये प्राकृतिक प्रक्रिया प्रगति है, जो क्रमशः होती ही जाती है। कहते हैं कि बच्चों का मस्तिष्क का विकास शुरू के 5 वर्षों में बहुत तेजी से होता है। यही वो समय होता है जब उसका मस्तिष्क उसे हर नई चीज को निहारने, महसूस करने और उसके प्रति जिज्ञासु बनाता है। आप स्वयं ये देखते होंगे, जब बच्चा किसी खिलौने से खेलता है तो वो उसे बार बार उलट पुलट कर देखता है, छू कर महसूस करता है और उसके भीतर क्या है ये जानने का प्रयास करता है।
बच्चा पहले माँ की गोद पहचानता है, फिर धीरे धीरे आसपास के लोग, प्रकृति, घर, वातावरण को देखता है, पहचानता, महसूस करता है और खिलौनों को खेल खेल कर बहुत कुछ समझता जाता है। शुरू के वर्षों से ही उसके बुद्धि का विकास होता है और माता पिता बच्चों को खिलौने देकर उसकी मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास को गति प्रदान करते हैं। इसे कतई नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों और खिलौनों का तो साथ चोली दामन का होता है। अब महंगे से महंगे खिलौने बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन खिलौनों का महत्व और उपयोगिता उनकी कीमत से नहीं आंकी जा सकती। खिलौनों के साथ खेलकर बच्चे की बुद्धि कुशाग्र होती है, उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, शरीर तंदुरुस्त होता है, जिससे उसकी योग्यता भी बढ़ती जाती है। अच्छे खिलौने बच्चों की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। खिलौनों का मूल्य कोई मायने नहीं रखता। खिलौना ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने, कुछ नया रचने के लिए प्रोत्साहित करे। बस ये ध्यान रखें कि बच्चे की उम्र कितनी है, उसके उम्र के अनुरूप ही खिलौने बच्चों को देना चाहिए। नन्हे बच्चों को खिलौने देना हर माता पिता का कर्तव्य है, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। क्रय शक्ति को ध्यान में रखकर इसका पालन अवश्य ही करना चाहिए। विकास यात्रा के साथ साथ मानव ने मिट्टी के बाद लकड़ी से घर बनाना प्रारंभ किया। लकड़ी का प्रचलन शुरू हुआ, लकड़ी से पहिए बनाए गए और फिर धीरे धीरे इससे गाड़ियां बनानी प्रारंभ हुई। बाद में लकड़ी के खिलौने बनाए गए, जिसमें लकड़ी के गुड्डे, गुड़िये, तोता, मैना और तरह तरह के जंतु, जीव जंतु बनाए गए। ये लकड़ी के खिलौने मिट्टी की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे। इन्हीं लकड़ियों से बनाए गए तरह तरह के धनुष, बाण और इसी से बनाए गए इकतारा और दूसरे तरह के लट्टू वगैरह वाले खिलौने भी लकड़ी से बनाए जाने लगे, क्योंकि ये मजबूत थे और बच्चों को खेलने में आसान भी थे। फिर धीरे धीरे आगे का दौर शुरू हुआ और इसी लकड़ी से बनाए गए वाद्य यंत्र, जिसमें बनाए गए ढोल, डमरू और अन्य प्रकार के वाद्य यंत्र। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी ऐसी चीज खेलने के लिए बच्चों को नहीं देना चाहिए जिससे उसे चोट लग सकती हो या बच्चा उसे मुंह में डालकर निगल सके। बच्चे की सुरक्षा सर्वोपरि है। नन्हे बच्चे हर घर में होते हैं और हर बच्चे को खिलौना मिलना ही चाहिए। ऐसे में जरा सोचिए, खिलौनों का बाजार कितना बड़ा है। महापुरुषों ने हमेशा स्वदेशी का नारा दिया है, जिससे हमारे देश का विकास हो, और यही बात अपने संबोधन में और मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी कही है। उन्होंने आह्वान किया है कि देश में खिलौनों का निर्माण हो, हमारी संस्कृति की झलक भी उन खिलौनों पर हो, खिलौनों पर विदेशी निर्भरता खत्म हो, स्वदेशी खिलौने हमारे बच्चों को मिले। वर्तमान में खिलौनों का बाजार लाखों करोड़ों का है। इस पर विदेशी निर्माताओं का एक तरह से कब्जा है, जिससे देश को आर्थिक हानि होती है। इससे न सिर्फ देश का पैसा विदेश चला जाता है, बल्कि विदेशी संस्कृति को बढ़ावा भी मिलता है, जो हमारे देश के सामाजिक व्यवस्था, हमारी संस्कृति पर भी बुरा असर डाल सकता है। जब खिलौनों का निर्माण देश में ही हो और हमारी संस्कृति के अनुरूप हो,
इससे न सिर्फ देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा बल्कि बच्चों के मन में हमारे धर्म संस्कृति की जिसकी विरासत बहुत बड़ी है का ज्ञान खेल खेल में ही होगा, जिससे हमारे विचार सुसंस्कृत होंगे। जब खिलौनों का निर्माण देश में ही हो और हमारी संस्कृति के अनुरूप होगा तो इससे न सिर्फ देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा बल्कि बच्चों के मन में हमारे धर्म संस्कृति की जिसकी विरासत बहुत बड़ी है का ज्ञान खेल खेल में ही होगा, जिससे हमारे विचार सुसंस्कृत होंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और अच्छे समाज सुसंस्कृत लोगों से ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। अब हमें ये तय करना होगा कि हमें हमारे बच्चों के हाथों में खिलौनों के रूप में डॉल दें या चेतक पर सवार महाराणा प्रताप। स्वदेशी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये मूल मंत्र दिया है, जिसके कारण हमारे देश में व्यापारिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और यही उनका मूल मंत्र भी है।